भैया जो रमन सरकार जो मोबाइल बांट रही है उसमें गोट ऐप भी है, रमन ऐप भी है, अब जितने भी मतदाता है सबके जेब में बीजेपी अपना मोबाइल फोन दे दे रही है, आपको नहीं लगता कि यही ब्रह्मास्त्र रमन सिंह का? देखिए ये मांग तो हम लोग पहले कर चुके हैं कि यदि ऐसे ऐप का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो आगे चल के उसको नहीं हटाया जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत निर्वाचन आयोग को और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी ये है जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा उनके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं आ पाएगी और इस कारण से ये सब हो रहा है। तो ऐसे ऐप का उपयोग किया जा रहा है जो आगे चल के नहीं हट सकता। बात हो रही है कि हम शासकीय कार्यक्रमों को जो शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग संभव है, निर्वाचन आयोग समय रहते इसमें कार्रवाई कर दे तो बहुत अच्छी बात। आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी उससे अपना प्रचार करवाएगी? देखिए जब ऐप हट ही नहीं सकता तो आचार संहिता के बाद भी तो वो दिखेंगे, तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और निर्वाचन आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का अधिकार आचार संहिता लगने के बाद इस कारण से मनमानी हो रही है।